Hello, fourth standard students. How are you all? There is drawing lecture today. Take out your creative drawing book. Okay. Now open your book. Page number 1 to 12. Page number 12. Page number 12. Painting natural scene. देखिए यहाँ पर कैसे कुदरती नज़ारा बनाया है. दृश्य कुदरती नैसर्गिक दृश्य natural scene. बराबर कुदरती नज़ारा. ये थोड़े कुछ कोई स्ट्रीम है, आजू बाजू किनारा है थोड़ी ऊंचाई वाला, और फिर थ्री ट्रीज बताया है, एक घर बताया है, आसमान है, सन है, यानी कि ये स्काई को येलो कलर किया है, मतलब तपती धूप है बिल्कुल. बहुत धूप है ये बताने के लिए स्काई को येलो कलर किया है, वरना हम स्काई को कौन सा कलर करते हैं, स्काई ब्लू कलर. गौर से देखिए कैसे पे स्केच बनाया, ड्राइंग किया और फिर कैसे कलर किया वो. और नीचे दूसरा है तपती धूप है, ये रिवर बहती है, रिवर जा रही है, ट्री है, हाउस है, और फिर ये नदी का तट, नदी का किनारा. यहाँ पे स्केच बनाया उन्होंने, ड्राइंग किया है, और फिर कलर कैसे किया है, हम जैसे कलर बिल्कुल पूरा ब्लॉक कर देते हैं कलर करके, वैसा नहीं है. यहाँ पे कलर किया है जैसे गोल 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 इस तरह से है, कहीं पे वेविंग लाइन्स है, वेविंग लाइन्स हिस्ट्री में बताने के लिए वेविंग लाइन्स, कहीं ब्लू, कहीं एक बार ब्लू, एक बार डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरह से. यहाँ पे पहले सो येलो कलर कहीं कहीं पे घुमा लिया, उसके बाद ब्राउन कलर से डोरी का गुच्छा इस तरह से कलर किया, ऑयल पेस्टल कलर से. ओके, स्टडीड ब्यूटीफुल नेचुरल सीन ड्रॉन अबाव विद हेल्प ऑफ शेप्स लाइक ट्रीज, हार्ट, पॉन्ड, हिल, स्वान एंड द सन. स्टडीड ब्यूटीफुल नेचुरल सीन ड्रॉन बिलो विद हेल्प ऑफ शेप्स लाइक ट्री, हाउस, रिवर एंड द सन. हियर देयर इज अ चेंज इन द कलर टेक्सचर इन बोथ द पिक्चर. चलिए कलर कलर करने के बाद मेथड टेक्स्चर अलग अलग है. यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक कर लिया कलर से, और यहाँ पे ये कुछ दूरी का गुच्छा है, वेविंग लाइन से इस तरह से कलर किया. ये हमें कल सीखना है, एक बार ये करेंगे ऐसा कलर, ठीक है, आज करेंगे. स्केच पेन हैज़ बीन यूज फॉर वन कलर टेक्स्चर. ऑब्जर्व दिस कलर टेक्स्चर. और से देखिए कलर टेक्स्चर को. ओके, ध्यान से देखिएगा. और फिर नेक्स्ट, अब इसके बाद पेज नंबर 13 पर आइए, सामने वाले पेज 13 पर. पेंटिंग नेचुरल सीन, यहाँ पे नेचुरल सीन बना के रखा है, उसके अंदर एक कुछ लाइन रख दिया है आपको, वो ज्वाइन करना है इस तरह से कहीं कहीं पे. इसके बाद कलर करना है, माउंटेन पे ब्राउन कलर, लाइट या ब्राउन कलर, ये जो गुल 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 इस तरह से, ये पानी का जो बहाव है उसे हम वेविंग लाइंस, वेविंग लाइन, इसे वेविंग लाइंस कहते हैं. ये जो है ना, इसे वेविंग लाइन, फिर यहाँ पे बताया है वेविंग लाइन. पानी का बहाव हमेशा हम वेविंग लाइन से करेंगे. यहाँ लाइट ब्लू, अरे लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, फिर यहाँ ब्राउन. स्केच ऑफ नेचुरल सी द शेप्स लाइक स्काई, द सन, माउंटेन, ट्री, वाटर, लैंड एंड बोट इज शोन अबव. बोट है, माउंटेन है, ट्री है, सन है, स्काई है, रिवर है. यूज पेंसिल कलर्स ऑफ पेस्टल, पेपर पेस्टल कलर करेंगे हम. मैं थोड़ा सा बता दूँ,
ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, आपको थोड़ा सा बता दूँ। करेंगे इस तरह से, जैसे कि डोरी का गुच्छा होता है थ्रेड का, इस तरह गोल 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 करके कई कई पे होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। येलो कलर आसमान पे क्यों कर रहे हैं भाई? तपती धूप है, यूं बताने के लिए काफी धूप है। ओके, इस तरह से तो ब्राउन कलर से ये माउंटेन ऐसे, कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरह से। मैं थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊँगा स्ट्रीम के लिए, स्ट्रीम के लिए इस तरह से वेविंग लाइन बनाएंगे। नज़दीक नज़दीक में कलर करना है, बहुत ज़्यादा भाग मतलब कोरा ना रहता है इस तरह से, चल पूरा कलर फिल कर दीजिए। ये पानी का जो बहाव है उसे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर यूज़ करेंगे वेविंग लाइन से, बाकी के सारे कलर ये डोरी का गुच्छा जैसा होता है ना, मैंने यहाँ बताया यहाँ बताया, इस तरह से कम्प्लीट करना है। जहाँ पे जो कलर सुटेबल है वो कलर आप करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 13 पे ये आपको कलर करना है ऑयल पेस्टल कलर से, ठीक है, जैसे मैंने बताया उस तरह से। पेज नंबर 13 पेंटिंग नेचुरल सिल्क। ओके, मैंने जैसे बताया उसी तरह से आपको कलर करना है। टर्न योर पेज, पेज नंबर 14 पर आइए। क्राफ्ट पेपर, अरे क्राफ्ट वर्क पेपर कटिंग डिज़ाइन, ये क्राफ्ट वर्क है, कलरिंग पेपर लेना है आपको। क्राफ्ट पेपर अब मिलता है ना स्टेशनरी दुकान में, या आपके पास कोई पड़ा होगा कोई पेपर वैसा कलरिंग पोर्शन वाला, तो उसे काट लीजिए स्क्वायर शेप में, वो भी चलेगा। कोई मैगजीन, पुरानी मैगजीन पड़ी हो बिल्कुल एक ही कलर का, तो वो उसको भी ढंग से बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप में काटना है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में काटना है। क्राफ्ट पेपर हो या कोई भी पेपर हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, चारों साइड चारों एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में चारों साइड और चारों एंगल बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम होते हैं।
Two designs by paper cutting work are shown above. Do design bataye. Okay, both the designs are in the square shape. Take a color square paper. Coloring square paper lena hai. A triangular shape will be prepared as in number 1 or number 4 by folding it according to number 1 and number 2 and number 3 respectively as shown by the sign of arrow. Leave the open side of this triangular shape and draw the design shown according to this square sign on the remaining two sides. Cut this portion with cutter or scissors. Be careful while using the cutter so that you do not get injured. Scissor या छुरी या ब्लेड का इस्तेमाल करें तो हम संभल के हम छोटे बच्चे संभल कर इस्तेमाल करें, ठीक है? बड़ों के सामने करना है इस तरह से नुकीली चीज का इस्तेमाल संभल कर. Now by opening the fold of this paper one by one, all the folds of the whole paper will be opened and you will find a beautiful paper cutting design. Study the design and the method of paper cutting. Okay, ये आपको ऊपर method बताया है कि इस तरह से craft paper fold करना है. मैं फिर से बताता हूँ. वैसे दो तरह की design बन सकती है. ऐसी भी बन सकती है इस तरह से fold करके बिल्कुल fourth stage में इस तरह से fold करके फिर पेंसिल से ड्रॉ कर लेने का और फिर कटिंग करने का, तो ये डिज़ाइन मिलेगा. और इस तरह से फोर्थ स्टेप में आओगे और फिर इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर लोगे और फिर कटिंग करोगे उस हिसाब से, तो ये डिज़ाइन मिलेगा. द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे खाली स्पेस दिया गया है क्राफ्ट पेपर पेपर कटिंग डिज़ाइन. कट द पेपर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप एंड बाय डूइंग पेपर कटिंग वर्क इन इट प्रिपेयर ब्यूटिफुल डिज़ाइन एंड पेस्ट इट in the blank space given above. Use gum or fevicol for pasting the design. कोई बात, हम कोई अलग तरह का भी बना सकते हैं, ये पहले देख लो, ठीक है? तो इसके लिए कोई क्राफ्ट पेपर या एक ही कलर का कोई पेपर लेना है और उसके स्क्वायर शेप में काट लेना है पहले. ये मेरे पास नहीं है क्राफ्ट पेपर, मैंने ब्राउन पेपर लिया. ब्राउन पेपर पहले ये स्क्वायर है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, यू फोल्ड करना है उसको, आधा फोल्ड किया, उसके बाद आधा फोल्ड करने के बाद ऐसा हो गया, पहले बिल्कुल स्क्वायर था, अब फोल्ड किया तो अब रेक्टेंगल शेप हो गया. रेक्टेंगल शेप, अब फिर से उसको यू फोल्ड करो, स्क्वायर शेप मिला, है ना? स्क्वायर शेप मिला ना हमें. अब उसके बाद उसे फिर से यू फोल्ड करेंगे. देखिए ये यू देखना है, यू फोल्ड करना है, यू फोल्ड करना है और फिर हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से बराबर. फिर मैंने ड्रॉ कर लिया पेंसिल से, अब कटिंग करूंगा मैं.
landscape. कर लिया मैंने मुझे कुछ आराम से खोलिए इसको। मुझे कुछ इस कदर का डिजाइन मिला, देखिए। अब मिलने के बाद ऐसा डिजाइन मिला मुझे, ओके। उसके बाद पीछे गम लगा देंगे। गम लगा के ये ब्लैंक स्पेस पर पेस्ट करना है, स्टिक करना है, ओके। आपके पास अगर क्राफ्ट पेपर नहीं है, ब्राउन पेपर का टुकड़ा है तो वो भी चला लूँगा, चलेगा, ठीक है। ऐसे पीछे की साइड पर गम लगाकर पेस्ट कर दीजिए, है ना। पेज नंबर 15 पे कोरा भाग है, जैसे मैंने पेस्ट किया ना यहाँ पर, वैसे पीछे गम लगाकर फिर चिपका देना है आराम से, ठीक है। तो पेज नंबर 15 क्राफ्ट वर्क पेपर कटिंग डिज़ाइन, और पेज नंबर 13 पेंटिंग नेचुरल सीन आपको होमवर्क रहा, ठीक है। आपको ये दो पेज दे रहा हूँ होमवर्क, कंप्लीट करना है। वक्त वक्त पर जो काम दूँ मैं आपको वो वर्क कर लेना है समय पर, एक दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बराबर, बाकी रखेंगे तो बुक कंप्लीट करने में बड़ी परेशानी आती है बाद में एक साथ, ओके। पिक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस वक्त पे बुक कंप्लीट करते रहिए, ओके। बाय चिल्ड्रन।